हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य अकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 500 एमसीक्यूज की जो हमारा कॉमर्स का पार्ट चल रहा था उसका आज हमारा आठवां पार्ट है। एक से लेकर के सात पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें हमने एक से लेकर के 105 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जो कि आपके जितने भी आने वाले एग्जाम्स हैं जिसमें कॉमर्स आपका एक टॉपिक होगा उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, तो जिसे आपको ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम आपका है और क्वालिफाई भी आपको ही करना है। तो बिल्कुल मिस ना करें, उसे ज़रूर देखिए। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर यहाँ जो आई बटन दिख रहा है आपको, आप वहाँ पर क्लिक करके भी उसे देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा आठवां पार्ट होगा, और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। टोटल सेल इज 7,60,000, कैश सेल ₹30,000, कलेक्शन पीरियड इज 25 डेज, डेटर्स एट बैलेंस शीट डेट विल बी, यानी कि आपको बताना है कि बैलेंस शीट में डेटर्स का अमाउंट कितना होगा जब ये सारे इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो कौन कौन सा इन्फॉर्मेशन गिवन है वो भी देख लेते हैं। टोटल सेल हमारे पास है 7,60,000, कैश सेल हमने किया है 30,000, इसका मतलब हमारे पास जो हमने क्रेडिट सेल किया होगा वो होगा हमारे पास 7,30,000 रुपये का, ठीक है, क्योंकि 7,60,000 में से अगर हम 30 को हटा देते हैं तो बसता क्या है हमारे पास, क्रेडिट सेल, जो कि 7,30,000 बचेगा। दूसरी चीज़, जो कलेक्शन पीरियड है वो दिया हुआ है 25 डेज, ये डेज में दिया है, आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर डेज के जगह में मंथ भी होते हैं कभी कभी, क्या होते हैं यहाँ पर, मंथ भी दिए जा सकते हैं आपको, तो आपको दोनों चीज़ देख के चलना है। कलेक्शन पीरियड अगर आपको फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन बनाना सिंपल सा है, ठीक है। चलिए पहले फॉर्मूला देख लेते हैं और सॉल्यूशन भी देखते हैं साथ में क्या होगा इसका। फॉर्मूला सिंपल सा है, हमें सबसे पहले निकालना होगा रिसीवेबल टर्नओवर, या फिर इसे आप कलेक्शन ऑफ पीरियड का फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। करना कुछ नहीं है, बस कलेक्शन ऑफ पीरियड को यहाँ पर ले आइए और रिसीवेबल टर्नओवर को इसके नीचे ले आइए, बस यही दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों फार्मूला सिमिलर ही होंगे। तो फार्मूला कुछ इस तरह है, रिसीवेबल टर्नओवर का 365 बाई कलेक्शन पीरियड। देखिए जो है, जो 365 हमने लिया है ये इसलिए लिया है क्योंकि जो कलेक्शन पीरियड है वो हमारा डेज में दिया हुआ है, अगर वो मंथ में दिया होता तो यहाँ जो 365 है ये हमारा मंथ में चेंज होकर कितना लिखा था, 12 हम यहाँ पर शो करते। चलिए खैर ये तो अलग बात है। उसके बाद जो हमारे इसको हम सॉल्व करते हैं, यानी कि 365 हमारा दिया हुआ था और कलेक्शन पीरियड हमारे पास 25 था, सॉल्व करने से आया 14.6 हमारे पास। डेटर्स निकालने का सिंपल सा तरीका है, क्रेडिट सेल इनटू जो भी हमारा रिसीवेबल टर्नओवर, यानी कि डेटर्स टर्नओवर जो हमें मिल रहा है। देखिए रिसीवेबल टर्नओवर का दूसरा नाम भी हम डेटर्स टर्नओवर भी इसे बोल सकते हैं, ठीक है। डेटर्स रिसीवेबल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें BR भी ऐड कर सकते हैं आप, जो कि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, अगर क्वेश्चन में मेंशन होता तो हम उसे भी यहाँ पर ऐड करते हैं, ठीक है। तो करना क्या है, देखिए 7,60,000 में से हमने क्या किया, 30,000 जो कि हमारा कैश सेल था हम उसे माइनस करेंगे और जो हमारा 14.6 यानी कि डेटर्स टर्नओवर या रिसीवेबल टर्नओवर आया उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 50,000, जो कि ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर, जो कि राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ हो। रेशियो एनालिसिस के जितने भी फॉर्मूले हैं आपको सभी को एक बार देख लेना चाहिए क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और इससे क्वेश्चन आना मैंडेटरी वाली पार्ट है। आप जितने भी एग्ज़ाम्स हैं कॉमर्स से, जो भी एग्ज़ाम में आपके हुए हैं आज तक, आप सभी को चेक कर सकते हैं, सभी में इसके क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलते हैं। चलिए खैर अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा होगा 107। विच अमंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स डिफाइन द रिलेशन बिटवीन अ कंपनी एंड आउटसाइडर, यानी कि कौन सा डॉक्यूमेंट ये डिफाइन रिलेशनशिप दिखाता है किसे किसके बीच में, कंपनी और आउटसाइडर के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है, ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या फिर प्रोस्पेक्टस। अपने ऑप्शंस चूज कीजिए कि इनमें से कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट होगा जो कि रिलेशनशिप शो करेगा। तो ये शो करता है हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यानी कि MOA के द्वारा हम कंपनी और आउटसाइडर के में दोनों के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर पाते हैं। आई होप क्लियर हुआ हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है 108। 3D मॉडल ऑफ लीडरशिप इज प्रपोंडेड बाई, यानी कि 3D मॉडल का जो लीडरशिप का मॉडल है हमारा वो किसके द्वारा गिवन है या फिर उसको किसने दिया था, तो वो दिया था हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विलियम रेडिन ने,
ठीक है, किसने दिया था, विलियम ने दिया था, आपको ये याद रखना है। देखिए थ्योरी मॉडल जितने भी हैं हमारे पास, यानी कि लीडरशिप के थ्योरी हो गई, मोटिवेशन थ्योरी हो गई, या फिर जो भी और इस तरह के जो हमारे पास थ्योरी है, उन सब के जो जो जिसने जिसने उसका आविष्कार किया है, जिसने खोज किया है, मैनेजमेंट की जो थ्योरीज हो गई, इन सबको आप याद रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स में इससे क्वेश्चन आपको सियोरिटी मिलता ही है। हर बार एक दो क्वेश्चन तो इससे आते हैं, और देख करके टिक मारना होता है और कुछ नहीं करना होता, कोई मेहनत नहीं होता है। चलिए खैर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉडी ऑफ persons elected or appointed to meet on an organized basis for the discuss and dealing of matter about before it is called। यानी कि क्वेश्चन में एक सिंपल सा हमारे पास डेफिनेशन ही समझ लिए दिया हुआ है, जो कहता है कुछ लोगों को आपको बिजनेस में अपॉइंट करना है, जो कि ये इस काम से अपॉइंट किए जाएंगे जो कि जितने भी पुराने के जो क्या बोले केसेस पड़े हुए हैं, समझ लीजिए एक तरह से, उनके बारे में वो डिसीजंस लेंगे और उनके बारे में वो बात करेंगे। तो वैसी कमिटी या फिर वैसे लोगों के जो ग्रुप बनेंगे, उस ग्रुप को आप क्या बोलेंगे, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे, कमिटी ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे, या फिर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे, अपने ऑप्शंस चूज कीजिए। वैसे लोग कहलाते हैं हमारा कमिटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है वैसे लोग क्या कहलाएंगे, कमिटी ऑर्गेनाइजेशन कहलाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा ड्यू टू कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है आपको ये बताना है। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको एकदम मैंडेटरी पार्ट में याद होनी चाहिए, उनमें से आपका कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, मोटिवेशन, कंट्रोलिंग, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना ही चाहिए। मैनेजमेंट यानी कि ये सभी चीज़ें हैं, और इनसे क्वेश्चन ना हो तो मैनेजमेंट ही नहीं है। तो इन सब के बारे में रट लीजिए, समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, दिमाग में डाल लीजिए, जो करना है करिए, लेकिन याद रखिए। चलिए तो यहाँ पर क्या बताना है हमें कोऑर्डिनेशन के बारे में। कोऑर्डिनेशन क्या है, देयर इज़ अ यूनिटी, यूनिटी ऑफ ऑर्डर, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, और फिर लीडरशिप, या फिर एम्प्लॉय आर मोटिवेटेड। तो बताना है आपको कि डायरेक्शन हो सॉरी कोऑर्डिनेशन होता क्या। तो कोऑर्डिनेशन क्या होता है, सभी को एक साथ ले करके चलना। सिंपल सी बात याद रखिए, कोऑर्डिनेशन का मतलब हो गया जितने भी आप बिजनेस में आपके अलग अलग पार्ट, जैसे भी अभी मैंने आपको बताया प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, इन सभी में जो इफेक्ट्स क्रिएट करे, वही कहलाता है हमारा को एक तरह से कोऑर्डिनेशन। उन सबको वो लेके चलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, देयर इज़ अ यूनिटी ऑफ ऑर्डर, यानी कि एक सब साथ लेकर के चलने वाला ये बंदा है, सबको एक साथ लेता है। ठीक है, चलिए खैर अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है हमारा द फर्स्ट वूमेन अथॉरिटी इन मैनेजमेंट इज। वो पहली महिला कौन है जिसने मैनेजमेंट के बारे में हमें बताया था। तो मैनेजमेंट के बारे में जो पहली महिला थी वो थी लिलियाना गिलबर्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। कौन है ये, लिलियाना गिलबर्थ है, जिन्होंने मैनेजमेंट के बारे में फर्स्ट टाइम बात किया था एज पर वूमेन। आप मुझे कमेंट में बताइए कि पहला मैन कौन है, ठीक है, क्या बताइए कि मुझे कमेंट करके ये बताइए कि पहला मैन कौन है जिसने मैनेजमेंट के बारे में बोला था और मैनेजमेंट के बारे में बात की थी। तो पहला आदमी वो कौन सा है, मैन के बारे में बताना है, वुमेन का तो मैंने आपको क्वेश्चन में ही दे दिया, वुमेन मैंने बता दिया, आप मुझे कमेंट में मैन के बारे में बताइए। ठीक है, आप लोगों का ये होमवर्क रहा आज का, समझ लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द एरा ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज। साइंटिफिक मैनेजमेंट का एरा यानी कि काल कौन सा रहा है, या फिर कहां से कहां तक रहा है, आपको ये बताना है। बात करते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट की, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट किसके द्वारा दिया हुआ था, साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया हुआ था F.W. Taylor के द्वारा, आपको ये याद रखना है। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको यहाँ बताना है कि इसका एरा कौन सा कहाँ तक रहा है, 1880 से 1930 तक, 1882 से 1932 तक, 1932 से 1950, या फिर 1885 से 1932 तक। देखिए सारे ऑलमोस्ट सिमिलरली ऐसे दिख रहे हैं, तो यहाँ जो राइट आंसर है वो है, मैं बता देता हूँ आपको, वो है ए नंबर, यानी कि 1880 से 1930 तक के जो काल रहा है या एरा रहा है उसे कहा जाता था साइंटिफिक मैनेजमेंट, और जो आज चल रहा है यानी कि जिसमें हम लोग रिसेंटली अभी बात कर रहे हैं, ये है मॉडर्न मैनेजमेंट। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि अभी जो मैनेजमेंट चल रहा है वो कौन सा मैनेजमेंट है, तो अभी जो चल रहा है वो है मॉडर्न मैनेजमेंट। ठीक है, और जो 1880 से 1930 तक था ये था हमारा साइंटिफिक
मैनेजमेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फंक्शंस इज रिगार्डेड एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट का कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसे हम मैनेजमेंट का सार कहते हैं। सार कहने का मतलब हुआ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका, जिससे कि आप सार को बोल सकते हैं, उनका जो क्या बोल सकते हैं, उनका जो तत्व है, आकर्षक केंद्र है, मतलब एक तरह से उनका जो मेन पॉइंट होता है ना, मिड रेंज या फिर मिड पॉइंट, जिसके थ्रू से कोई काम चलता है या फिर जो सारी चीज़ को कंट्रोल करता है, उसे एक तरह से इसेंस कहा जाता है। और वो कंट्रोल करता है तो वो क्या कहलाता है हमारा, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेशन या कंट्रोलिंग। अपने ऑप्शन चूज कीजिए। मैंने जस्ट अभी आपको ऊपर एक क्वेश्चन में समझाया था, ठीक है, ये क्या कहलाएगा हमारा, कोऑर्डिनेशन कहलाएगा। तो इसेंस ऑफ मैनेजमेंट किसे कहते हैं, कोऑर्डिनेशन को कहते हैं। बहुत बार क्वेश्चन में आपको ये पता होना चाहिए कि इसे क्यों कहते हैं। इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि जितने भी आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी फंक्शंस हैं, ये सभी को इफेक्ट करता है। सभी में क्या करता है, कुछ ना कुछ इफेक्ट डालता ही है, चाहे वो प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो। बेसिकली ये चार होते हैं हमारे पास, ठीक है, फिर कंट्रोलिंग भी है, ये पांच बेसिक पार्ट हैं हमारे। इन सभी को वो इफेक्ट करता है मैनेजमेंट का, और जो इफेक्ट करता है वो है कोऑर्डिनेशन। इसीलिए इसे एसेंस कहा जाता है, यानी कि सार कहा जाता है। इसका एग्जैक्ट हिंदी हुआ हमारा सार। एसेंस का एग्जैक्ट हिंदी क्या होता है, सार होता है। तो एसेंस वर्ड जहाँ देखिए वहाँ पर कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन टिक मारिए और आगे बढ़ जाइए, 110% सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ बोथ द वर्कर एंड द मशीन्स टू एलिमिनेट वेस्टफुल मूवमेंट इज, यानी कि वैसे स्टडी करना जिसमें हम वर्कर्स की यानी कि एम्प्लॉयज़ की और मशीन्स की स्टडी करते हैं, जिसमें हम उनके वेस्टफुल मूवमेंट को बाहर निकालते हैं, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि सपोज हमारा जो जो ऑफिस है वो स्टार्ट हो रहा है 10 बजे, और वहाँ से वर्क चलते चलते चल रहा है हमारा, इवनिंग हो गया 6 बजे तक, ठीक है। इस दौरान जो भी वर्कर ने काम किया और जो भी मशीन ने वर्क किया उनके साथ साथ, तो इस वर्क के दौरान कौन सा ऐसा टाइम था जिसमें वो लोग फकैदी कर रहे थे, यानी कि अपना किस कोई काम नहीं हो रहा था, बस वो टाइम पास हो रहा था एक तरह से, वो बोल सकते हैं। तो वो कौन सा स्टडी कहलाता है, फटीग स्टडी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी या फिर वर्क स्टडी। अपने ऑप्शंस चूज कीजिए। तो ये कहलाता है हमारा मोशन स्टडी। कौन सा स्टडी कहलाएगा, ये मोशन स्टडी। मोशन स्टडी में हम उनके जो भी हमारा वेस्टफुल टाइम होता है, ठीक है, जो भी टाइम बर्बाद किया जाता है उसे काउंट करते हैं हम लोग, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ हो कि मोशन स्टडी क्या होता है। आपको यहाँ पर चारों चीज़ पता होना चाहिए कि फटीग स्टडी क्या है, टाइम स्टडी क्या है, मोशन स्टडी क्या है और वर्क स्टडी क्या है। इन सभी के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि इन सभी से क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। चलिए खैर अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है हमारा अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म फॉर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम इन द फ्यूचर इज नोन एज, यानी कि एक सर्टेन टाइम पीरियड का आप भविष्य में होने वाले, आप एक सर्टेन टाइम पीरियड का आप स्टेटमेंट अभी तैयार कर रहे हैं, एक एक्सपेक्टेड क्या कर रहे हैं, रिजल्ट बना रहे हैं, आप स्टेटमेंट बना रहे हैं जिसको आप न्यूमेरिकल टर्म में डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि फ्यूचर में क्या होगा, कैसे आपका वर्क चलेगा और आपको कितने पैसे या फिर जो भी आपका स्टेटमेंट बना, सपोज आप मान के चलिए आप यहाँ पर किसी तरह कोई एक्सपेंसेस का आप बजट बना के चल रहे हैं, मतलब एक्सपेंसेस को आप डिफाइन करना चाहते हैं कि जो फ्यूचर में हमारा एक्सपेंसेस होगा वो कितना कितना होगा, और उसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल टर्म में शो करना चाहते हैं, तो वो क्या कहलाएगा वो पूछा जा रहा है। यहाँ पर वर्ड ध्यान दीजिएगा, मैंने सिर्फ एक ही इस पूरे पैरा में आपके क्वेश्चंस में सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ड को हमने कवर किया है, वो है न्यूमेरिकल टर्म। न्यूमेरिकल टर्म कहने का मतलब हो गया कि आपको उसे नंबर में लाना है, नंबर में लिखने का मतलब है आपको उसमें एग्जैक्ट रुपए बताने हैं कि इतने रुपए तक हो सकते हैं। और जब भी रुपए का बात होगा तो ना ही ये ऑब्जेक्टिव होगा, ना ही ये स्ट्रेटजी होगा और ना ही ये प्रोस्पेक्टस होगा, ये सिंपल सी बात होगी बजट, ठीक है। क्या होगा, ये बजट होगा। बजट में ही हम ये देखते हैं, बजट में ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा न्यूमेरिकल टर्म्स में डिफाइन होता है। ऑब्जेक्टिव हम किसी गोल को पाने के लिए करते हैं, स्ट्रेटजी उसके उसके गोल के पीछे कैसा काम करना है, प्रोसीजर उस काम को कैसे पूरा करना है। बजट ही एक ऐसा है जो कि बताता है कि हाँ इतने रुपए में काम होने चाहिए या फिर इतने रुपए लगने चाहिए, ठीक है। तो बजट ही हमारा फिगर को डिफाइन कर सकता है, बाकी किसी में भी फिगर डिफाइन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल सीक्स टू इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन इज, यानी कि जो भी हमारा जो वर्क होगा, जो भी हमारा काम करने का तरीका होगा, जो भी हम एक्शंस लेंगे, वो सभी के सभी एक ही जगह एक ही कंट्रोल के हाथ में होंगे, ये
कौन सा सिद्धांत कहता है या कौन सा पार्ट ऐसा कहता है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है, यूनिटी ऑफ कमांड कहता है, सेंट्रलाइजेशन कहता है, या फिर स्केलर चेन कहता है। अपने ऑप्शन चूज कीजिए कि ऐसा किस में होता है कि जो सारे कमांड्स हैं, जो सारे अथॉरिटीज़ हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदे के पास होता है और वो सभी को कमांड करता है और सारे एक्शंस भी लेता है ताकि जो भी वर्क हो रहा हो वो बिल्कुल सही चले। मतलब इस लाइन में जो हमारे पास लिखा हुआ है, द प्रिंसिपल सीक्स टू इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, इसका सिंपल सा हिंदी हो गया अगर मैं बोलना चाहूँ तो, सिद्धांत कार्रवाई की एकता सुनिश्चित करना। यानी कि जो भी हमारे पास, जो भी हमारे कार्रवाई है, जो भी कार्रवाई मतलब यहाँ एक्शंस, जो भी हमारे एक्शंस हैं उनको एक साथ लाना, ऐसा कौन करता है? तो ये करता है हमारा सेंट्रलाइजेशन। सिंपल से टर्म में बात करूँ जो आपको समझा पाऊँ मैं कि सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, तो सपोज़ मान के चलिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें सपोज़ कोई एक लीडर है, ठीक है, और उसके बहुत सारे अलग अलग सबऑर्डिनेट्स हैं जो कि वर्क करते हैं। तो ये जो लीडर है, ये सारे के सारे अथॉरिटीज़, कमांड सारे के सारे इसके हाथ में है, ये अपने स्टाफ्स को ऑर्डर देता है और उनसे काम करवाता है, ठीक है। यही है बेसिकली सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। दूसरा होता है डिसेंट्रलाइजेशन, जिसमें वो अथॉरिटी अपने सबऑर्डिनेट्स को ट्रांसफ़र करता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये बेसिकली 14 प्रिंसिपल जो हमारा था मैनेजमेंट का, उसका पार्ट है। मैंने आपको पिछले क्लास में भी कहा था कि 14 प्रिंसिपल को याद रख लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट है, इज एन ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस एंड अचीव सर्टेन रिजल्ट्स। यानी कि एक सर्टेन वर्क करके, एक सर्टेन फंक्शंस करके और एक सर्टेन टारगेट को प्राप्त करने के लिए जिस पर हम लोग ऑब्लिगेशन डालते हैं, यानी कि जिसको इसकी ड्यूटी दी जाती है, यानी कि जिसको ये करना होता है, वो क्या कहलाएगा? ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाएगा, डिसेंट्रलाइजेशन कहलाएगा, सेंट्रलाइजेशन कहलाएगा, या फिर डेलीगेशन कहलाएगा। अपने ऑप्शंस चूज कीजिए। तो ये कहलाएगा हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी दे करके हम उनसे क्या कर सकते हैं, एक सर्टेन काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें देंगे और ताकि वो एक सर्टेन रिजल्ट यानी कि एक सर्टेन गोल को अचीव कर पाए, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देना ही क्या कहलाएगा, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाएगा, ठीक है। चलिए, आई होप ये क्लियर हुआ हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ स्टेप टू बी टेकन फॉर सेलेक्टिंग सेल्स पर्सन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि एक सेलेक्टेड पर्सन को, यानी कि कुछ गिने चुने लोगों को ध्यान में रखते हुए आप अपना सेल्स प्रमोशन कर रहे हैं या फिर सेल करने के लिए कुछ एक्शंस ले रहे हैं, वो क्या कहलाता है? रूल, प्रोसीजर, पॉलिसी या मेथड? अपने ऑप्शन चूज कीजिए। ये कहलाएगा हमारा प्रोसीजर्स। क्या कहलाएगा? ये हमारा प्रोसीजर का लगा। प्रोसीजर के थ्रू ही हम किसी एक सेलेक्टेड पर्सन को या फिर एक सेलेक्टेड मार्केट को, देखिए यहाँ पर्सन कहने का मतलब यहाँ पर मार्केट भी बात हो रही है, यानी कि एक सेलेक्टेड मार्केट में हम एंट्री ले सकते हैं और उनके बारे में काम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है हमारा, एन आइडेंटिफाइड ग्रुप ऑफ पीपल कंट्रीब्यूटिंग देयर इफेक्ट्स टूवर्ड द अटेनमेंट ऑफ गोल्स इज कॉल्ड। यानी कि कुछ लोगों की एक ग्रुप बनाना जिनका एक ही गोल हो अचीव करने का, वो क्या कहलाएगा? आपको ये बताना है। ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस मैनेजमेंट या डिपार्टमेंट, यानी कि कुछ लोग एक साथ मिलते हैं, एक काम करते हैं और सभी का टारगेट एक ही गोल होता है। इनका भी टारगेट यही है, इनका भी टारगेट यही है, इनका भी टारगेट यही है, इनका भी टारगेट यही है और इनका भी टारगेट ये, तो ये क्या कहलाएगा? ऐसे ग्रुप को, ये जो ग्रुप क्रिएट हुआ, इस ग्रुप को आप क्या कहेंगे? तो ये ग्रुप कहलाएगा हमारा ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में जब सभी लोग मिलकर काम करते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सारे के सारे एक साथ ही होते हैं और सारे वर्क मिलके करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है हमारा, द सेलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम मेनी अल्टरनेटिव्स इज नोन एज। यानी कि बहुत सारे अल्टरनेटिव सोर्सेज हैं आपके पास और उनमें से आपको एक बेस्ट सोर्स को सेलेक्ट करना है, तो उसे क्या कहेंगे? सेलेक्शन, डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग या बजटिंग? अपने ऑप्शन चूज कीजिए। तो ये कहलाएगा हमारा डिसीजन मेकिंग। क्या कहलाएगा? ये हमारा डिसीजन मेकिंग। जब आपके पास बहुत सारे सोर्स हों, सपोज किसी एक गोल को पाने के लिए आपके पास बहुत सारे अलग अलग सोर्स हैं, इन सोर्स में से आपने किसी एक बेस्ट सोर्स को सपोज सेलेक्ट करना है, सपोज आपने इसे सेलेक्ट किया, तो ये जो आपका सेलेक्शन है, ये कहलाता है आपका डिसीजन मेकिंग, ठीक है। डिसीजन और डिसीजन मेकिंग में अंतर होता है। डिसीजन, अब इनमें से कोई भी एक उठा लो, वो डिसीजन हो गया।
बट इनमें से कोई एक बेस्ट को उठाना है, वो डिसीजन मेकिंग हो गया। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ हो। और मैं आपको पता है ना मैंने आज का आपको वर्क क्या दिया, आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि फर्स्ट मैन कौन है जिसने मैनेजमेंट के बारे में बात की थी। ठीक है, तो जो हमने 10-15 क्वेश्चन डिस्कस किए, आई होप आपको समझ में आया हो। कोई भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए, और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी नए बंदे हैं चैनल के साथ फर्स्ट टाइम जुड़े हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।